मोदी के मिशन स्किल डेवलपमेंट के आइडिया को लेकर दिल्ली में एक नई शुरुआत। डॉक्टर रितेश मलिक ने 50 से ज्यादा कंपनियों को साथ में लेकर शुरू किया स्टार्टअप। तो स्टार्टअप कंपनियों के लिए दिल्ली में पहला स्टार्टअप हब खुल गया है। इनोव 8 नाम से बनाया स्टार्टअप दिल्ली के सबसे पॉश एरिया कनॉट प्लेस में है। इनोवेट में कुल 86 सीट्स हैं, जिसे देश भर की स्टार्टअप कंपनियां अपने हिसाब से बुक कर सकती हैं। इस स्टार्टअप के साथ कंपनी का इरादा इसे दिल्ली की सिलिकॉन वैली बनाने का है। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यूनिक आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो आपका ऑफिस भी हटकर होना चाहिए। इसलिए इनोवेट लेकर आया है आपके लिए 8000 स्क्वायर फीट में बना वर्क स्पेस, जो गूगल ऑफिस की तर्ज पर बना है। और ये ऑफिस दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में है। स्टार्टअप कुछ नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग है। इन्वेस्टर्स से मिलना, लोगों से मिलना, फाउंडर्स बनाना और एक पूरा रेवोल्यूशन के अराउंड लोगों को खींचना, उसके लिए आपको एक सेंट्रल जगह चाहिए जहाँ पे लोग मिल सके, बात कर सके और एक दूसरे के साथ ओपन इनोवेशन और आइडिएशन कर सके। इनोवेट में कोई भी स्टार्टअप हर महीने औसतन 10,000 रुपए के रेंट पर काम कर सकता है और यहाँ मिलेंगे उन्हें स्मार्ट कंप्यूटर, 3D प्रिंटर, ड्रोन, गोल्फ स्टेशन और टेलीस्कोप जैसे इक्विपमेंट भी। यानी अब बिजनेस शुरू करने में आपको महंगे ऑफिस स्पेस के कारण फंड्स की कमी नहीं होगी। फाउंडर्स को ऑफिस स्पेस का बहुत ज्यादा तकलीफ है, मेंटरशिप सही टाइम पे नहीं मिल पाती है, कंपनी से इक्विटी नहीं मांगना चाहते। हम चाहते हैं कंपनीज आए एक मेंबरशिप मोड पे, कंपनीज अब हमें थोड़ा सा पैसा दे महीने का और यहाँ पे आके अपना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। इनोवेट में कुल 86 सीटें हैं, जिसे देश भर की स्टार्टअप कंपनियां अपने हिसाब से बुक कर सकती हैं और तब तक वो काम कर सकती हैं जब तक वो ऑफिस लेने की फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं आ जाती। इसके साथ ही इनोवेट में स्टूडेंट्स के लिए भी हर हफ्ते एग्जीबिशन रखा जाएगा, जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी स्टार्टअप के लिए तैयार किया जा सके। तान्या दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। स्टार्टअप कंपनियों के लिए दिल्ली में पहला स्टार्टअप हब खुला है और इनोव 8 नाम से बना स्टार्टअप दिल्ली के सबसे पॉश एरिया कनॉट प्लेस में है। कुल 8000 स्क्वायर फीट में बना है। ये गूगल ऑफिस की तर्ज पर तैयार किया गया, जहां पर ओपन स्पेस भी है और इनोव 8 में कुल 86 सीट्स हैं, जिसे देश भर की स्टार्टअप कंपनियां अपने हिसाब से बुक कर सकती हैं। कंपनी के प्रमोटर रितेश मलिक के मुताबिक 150 स्टार्टअप्स मेंबरशिप के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट के आइडिया को लेकर दिल्ली में नई शुरुआत। डॉक्टर रितेश मलिक ने 50 से ज्यादा कंपनियों को साथ लेकर शुरू किया नया स्टार्टअप। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर देश में नौकरियों को बढ़ावा देना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा। दिल्ली में आज एक ऐसे ही कार्यक्रम में पहुंचे हर्षवर्धन ने न सिर्फ स्टार्टअप कार्यक्रम की तारीफ की बल्कि ये भी कहा कि इसके प्रति युवाओं का उत्साह भी बढ़ रहा है। मिशन स्किल डेवलपमेंट के आइडिया को राजधानी दिल्ली में भी एक नई शुरुआत की गई है। इस आइडिया पर डॉक्टर रितेश मलिक ने 50 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ लेकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बी एस बस्सी भी मौजूद थे। इस स्टार्टअप के जरिए उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में कई कंपनियों को कारोबार का एक नया मंच मिलेगा। दिल्ली में इनोवा 8 कंपनी की शुरुआत, लोगों को बिजनेस शुरू करने को लेकर दी जाएगी जानकारी। मेक इन इंडिया विचारधारा पर शुरू हुई कंपनी, मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और महेश शर्मा मौजूद थे। हरिद्वार प्रधानमंत्री मोदी के स्टार्टअप अभियान का असर दिखा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में शख्स ने डॉक्टरी का पेशा छोड़कर स्टार्टअप शुरू किया है। कनॉट प्लेस में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तर्ज पर स्टार्टअप नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिन कंपनियों और लोगों के पास खुद के ऑफिस नहीं है, इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऑफिस प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टार्टअप डॉक्टर रितेश मलिक का एक ऐसा विजन है जिसमें फाउंडर्स के लिए 3000 स्क्वायर फीट एरिया का ऑफिस स्पेस का अरेंजमेंट किया गया है। डॉक्टर मलिक ने बताया कि इसमें लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कर अपने बिजनेस को बढ़ावा देकर अपने सपने साकार कर सकेंगे। स्टार्टअप ने 23 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। वर्किंग की शुरुआत की गई। इस परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के अलावा दिल्ली पुलिस के उच्चायुक्त बीएस बस्सी भी मौजूद थे। गुरिल्ला परियोजना ने पिछले 2 साल में 23 सरकारी गैर सरकारी संगठनों में निवेश किया है। इस मौके पर डायरेक्टर रितेश मलिक भी मौजूद थे। आपको बता दें कि
डॉक्टर रितेश मलिक और उनके पिता डॉक्टर रवि मलिक मेहनत और नेतृत्व के बारे में गहराई में सोचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरिल्ला परियोजना ने भारत में सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की पहल की। उनकी परियोजना की बात करें तो कोवर्किंग और इनोवेशन को तीन आयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें केंद्रीय स्थान, एक्सेस प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार सामुदायिक भवन भी है। राष्ट्रीय राजधानी केंद्र में 8000 वर्ग फुट के क्षेत्र के साथ भारत में पहला ऐसा स्टार्टअप है जहां 3000 वर्ग फुट का एक खुला परिसर है, जिसमें पाइन वुड, एमपी थिएटर, सौर प्रकाश तमाम। हमने देखा पिछले 3-4 सालों के अंदर स्टार्टअप्स ने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया और अब हम एक ऐसे फेज में गुजरने वाले हैं। हम देश हमारा सेकंड सबसे बड़ा देश बन चुका है जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। हर दिन नए नए लड़के, चाहे IIT के हों, लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे अपने एजुकेशन छोड़ रहे हैं जस्ट स्टार्टअप्स को लॉन्च करने के लिए। उसी कॉन्सेप्ट, उसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए हमने कनॉट प्लेस, जो कि हिंदुस्तान में सबसे महंगी जगह है, हम चाहते थे कि एक एड्रेस स्टार्टअप्स को ऐसा मिले जहां पे आके लोग कन्वर्ज करें, चाहे इनको स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज हो या ना हो, वो यहां पे आए और यहां पे आके अपनी विजन को रियलिटी में तब्दील करने की कोशिश करें। डॉक्टर हूं, लोगों ने मुझे बहुत मदद किया है सोचने के लिए। मैं हार्वर्ड गया था, वहां पे मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया कि कैसे मेक इन इंडिया चलता है, कैसे प्रोडक्ट नेशन बनाया जाता है और कैसे एक छोटा सा सिलिकन वैली सिर्फ 100 लोगों की कम्युनिटी ने कम से कम नाना करते हुए भी 5,00,000 करोड़ की आमदनी बनाई और कम से कम 1.5 से 2 लाख नौकरियां। सोचता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर कोई जगह बन सकती है तो वो कनॉट प्लेस है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मेट्रो हब है, 70 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से गुजरते हैं हर दिन, और अगर आपको दिल्ली के किसी भी कोने में जाना हो सिर्फ 20 मिनट में आप मेट्रो से पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कैंपस से काफी ज्यादा एक बदलाव आ सकता है दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। अभी फिलहाल आपके साथ कौन-कौन और लोग जुड़े हैं? हमारे साथ हमारा पूरा टीम है प्रोजेक्ट गुरिल्ला का। हम लोग पिछले 3 साल से 23 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं और 4 से ज्यादा NGOs में इन्वेस्ट कर चुके हैं। हम लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश में, हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा नौकरियां हम निकाल सकें। हमारा देश एक ऐसी मुश्किल वक्त में है, अगर ऐसे ही चलता रहा 2030 में हमारी 9% से ज्यादा आबादी अनएम्प्लॉयड रहेगी और द ओनली वे टू चेंज दिस इज किसी तरीके से अच्छे से स्टार्टअप्स निकले। एक फ्लिपकार्ट ने पूरा हमारे 20-30 हज़ार नौकरियां निकाल दी हैं और यही एक इम्पैक्ट होता है छोटे से आइडिया का। देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि एक यंग डॉक्टर ने कंट्री की प्रॉब्लम्स का सही डायग्नोसिस करके उसका इलाज करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उसको साकार करने के लिए उनको शायद देश को अपील किए हुए 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। 15 अगस्त को उन्होंने अपील की थी देश के नौजवानों से स्टार्टअप एंड स्टैंडअप की, और उसके माध्यम से दोबारा से भारत को मेक इन इंडिया कैंपेन के थ्रू संसार में उन ऊंचाइयों तक ले जाने की जहां हर भारतवासी को सारे दुनिया में गर्व हो भारत के ऊपर, जहां भारत का भविष्य उसके गौरवमयी अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ हो। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद देश भर में अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में राजधानी का पहला स्टार्टअप लॉन्च किया गया। इस स्टार्टअप को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा कि एक अच्छी पहल है जहां युवा अपने आइडिया के साथ न सिर्फ जुड़ सकता है बल्कि अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकता है। डॉक्टर रितेश मलिक ने एक भारत की राजधानी में प्राइम स्थान कनॉट प्लेस में एक ऐसा खूबसूरत प्रकल्प प्रारंभ किया है जो देश के बहुत सारे नौजवानों के लिए, यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनके पास सोच है, थॉट है, दृष्टि है, विजन है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी विज्ञान का, अपनी इंजीनियरिंग का, अपनी मेडिसिन का प्रयोग करके नई नई चीज़ें वो खोज कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे होनहार बच्चे जो स्टार्टअप शुरू करते हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस इनक्यूबेशन सेंटर में अपने जो आइडियाज़ हैं उनको फाइनल रूप देंगे, जिससे जो उनके आइडियाज़ से जो बिज़नेस निखर के सामने आएगा उससे देश की प्रगति में मदद मिलेगी।
देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज हम देश के एक ऐसे मुकाम पे हैं, 2012 से स्टार्टअप्स का जो बोलबाला है बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं कैसे फ्लिपकार्ट स्नैपडील को मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर वैल्यूएशंस मिल रही हैं। तो स्टार्टअप ही ऐसी चीज है जो हमारे देश को जॉब्स दे सकती है, और हमने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कोवर्किंग सेंटर खोला है जिसमें हम चाहते हैं कि लोग आए, मेंबरशिप फी दें और यहाँ पे आके अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें।